हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट्स है, मैसेज है, क्वेरी है कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। जो ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था बट फिर भी उस एक्सपेक्टेड डेट पे रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट शायद नहीं आएगा क्या, या कुछ सेटिंग वोटिंग तो नहीं चल रही। इस टाइप के भी स्टूडेंट जो हैं बात करने लगे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, ये कमेंट्स में। तो चलिए ये बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, पूरा एक्चुअल फैक्ट के साथ इसमें डिस्कस करेंगे। और रिजल्ट जरूर आएगा। और इसके पहले आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों का रिजल्ट आ रहा है, एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, उन लोग भी इंतजार में, मतलब टाइम वेस्ट ना करें, दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहे। जब तक एग्जाम में आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता ना, तब तक आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, और प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आपका वेट कर रहा होता है। और बहुत सारे आप देख ही रहे कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है, और जिन लोगों को पता है कि मेरा होने वाला ही नहीं है, 100% आपको पता है कुछ लोगों को, तो वो भी प्रिपरेशन दूसरे एग्जाम के करते रहे। नेक्स्ट ईयर जो है अभी 2023 में भी कोल इंडिया का नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे गेट का आ गया है, गेट के थ्रू इंजीनियरिंग के लिए, तो आप लोग प्रिपरेशन जरूर करते रहे। ओके, तो चलिए रिजल्ट पे बात करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट कोड 55 या पीएसयू एचआर एग्जाम के लिए, किसी भी पीएसयू का या आने वाले कोल इंडिया का, तो आप कोर्स जो है यहाँ पे tla.courses.store, जो आप वेब पे कंप्यूटर पे अपने लॉग इन करेंगे तो ये आ जाएगा, या फिर अप्लीकेशन में आप देख ही रहेंगे, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड किए होंगे। तो ये सारे कोर्सेस है। अगर जैसे देखिए, अगर आप डेमो ज्वाइन करना चाहते हैं, मात्र 10 रुपये देकर कोर्स को सब्सक्राइब करके आप डेमो क्लास देख सकते हैं कि क्या क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है। और इसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, जैसे कॉम्बो मॉक टेस्ट है, पीएसयू एचआर का स्पेशल मॉक टेस्ट है। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे यूजीसी नेट कोड 55 और पीएसयू एचआर का मोस्ट ट्रेंडिंग जो कोर्स है हमारे 2999 का, पेपर 1 एंड 2 फुल कोर्स है यूजीसी नेट का, और ये सेम कोर्स जो है आपको कोड 55 और किसी भी पीएससी एचआर का हो उसके लिए भी ये रहेगा। तो ये सारे बहुत सारे कोर्सेस से आप देख सकते हैं और उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं हम लोग रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे रिजल्ट की अब बात करेंगे हम लोग। देखिए, सीबीटी CILMT CBT एग्जाम 2022, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जितने भी को आया था उस समय, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2022 था, इसमें जितने भी पोस्ट आया था, एमटी एचआर का हो या एमटी लीगल का हो या एनवायरनमेंट का हो, वो सबका बात करेंगे। सभी का रिजल्ट जो है एक साथ ही आएगा, जो कि एग्जाम डेट आपका 7 सितंबर को हुआ था, आप लोगों को पता है। ओके, तो देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर हम लोग 2019-20 में जो आया था, एग्जाम हुआ था, उसका पहले हम लोग बेस्ट पकड़ेंगे, जो ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन ये डेट को आया था, जो बताने की ज़रूरत नहीं है। और 2022 में जो ये डेट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो एग्जाम डेट देखिए, ये जो दिया था, जो गैप था इस बीच में, तो एग्जाम डेट टाइमली हो गया था। और यहाँ पे भी एग्जाम डेट देखिए, मतलब जो टाइम लगता है कोल इंडिया का, मतलब जो फॉर्म भरने के जैसे 1 महीना हुआ, वैसे ही मतलब 30 डेज बाद आपका एग्जाम हो जाता है, और एग्जाम हुआ भी। बट रिजल्ट में इन लोग बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं कोल इंडिया वाले। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट जो आया था, मतलब 5th मंथ बाद आया था, 21 जुलाई को रिजल्ट आया था 2020 में, ठीक है। तो उस समय ऐसे मैं सोच रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि कोविड के वजह से रिजल्ट में डिले हुआ होगा, बट शायद उतना भी नहीं है। कोविड के वजह से 2 महीना तक डिले हो सकता है, बट 5 महीने तक डिले होना, मतलब थोड़ा सा शक है उसके ऊपर। शक मतलब कैसा, तो इसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 2022 का, 5 महीना नहीं लेकिन थोड़ा टाइम, जैसे अभी देख रहे हैं तो कोविड तो नहीं है, तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। बट अभी क्या है मामला, अभी मामला ये है कि जो गेट 2022 का जो रिक्रूटमेंट आया था इंजीनियरिंग वालों के लिए, अभी सेकेंड फेज का रिजल्ट आया है, मतलब उनका अभी ज्वाइनिंग स्टार्ट हुआ है, तो उनका ये सारी प्रोसेस होने के बाद ही ये रिजल्ट आ सकता है। तो इसका इसको भी एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, रिजल्ट जो है जैन और फेब 2023 में रिजल्ट
आ सकता है, इसके पहले भी आ सकता है, बट इसमें ये जैन फेब में रिजल्ट आने का ज़्यादा चांसेस है, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये सब चीज़ को देखते हुए। और देखिए रिजल्ट के बाद भी ज्वाइनिंग के लिए देखिए ये कितना महीना लग जा रहा, फोर्थ फिफ्थ मंथ लग जा रहा। जनवरी 2021 में ज्वाइनिंग हुआ था, 2019 एडवर्टाइजमेंट वाला जो 2020 में एग्जाम हुआ था, तो इसका भी ज्वाइनिंग का आप लेस पकड़ सकते हैं कि अप्रैल या मई 2023 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड है। तो आप लोग अब बहुत ज़्यादा चिंता में नहीं रहेंगे कि कब आएगा रिजल्ट, क्यों नहीं आ रहा, सेटिंग हो रहा है या क्या हो रहा, सीट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा, ऐसे ऐसे तरह तरह की जो बातें हो रही हैं, तो इससे मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा आपको छुटकारा मिलेगा। और रिजल्ट का को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करके आप प्रिपरेशन में लगे रहेंगे, इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स मैसेज आ रहा था स्टूडेंट का, हर वीडियो पे कोई दूसरा टॉपिक बना रहे वहाँ पे स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो सोचा कि एक वीडियो बनाना चाहिए ये सब चीज़ को देखते हुए। तो रिजल्ट आ जाएगा, बाकी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। कोल इंडिया में अगर जाना है नेक्स्ट ईयर 2023 में, फिर सेम अगस्त सितंबर में आप फिर से अप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। ओके, जैसे गेट देखिए 2022 का अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, तब तक गेट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो गेट 2023 में जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग का जो एग्जाम देंगे उस बेसिस पे उनका इंटरव्यू होगा, और आप लोगों का जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। या ये भी हो सकता, मतलब 10% चांस ये भी है कि यूजीसी नेट कोड 55 के थ्रू भी कोल इंडिया डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को कॉल करने लगेगी। तो दोनों चीज़ों की प्रिपरेशन करें। आपको ऐसे भी पता है कि 40-50% पीएसयू जो है वो यूजीसी नेट कोड 55 के स्कोर बेसिस पे रिक्रूटमेंट कर रही है, तो इसको भी ध्यान में रखिए कि जितने पीएसयू थे पहले डायरेक्ट एग्जाम लेती थी वो गेट के थ्रू लेने लग गई टेक्निकल वाले इंजीनियरिंग वाले के लिए, तो हो सकता है कुछ पीएसयू जो है नेट के थ्रू आप कोड 55 से जो है उनको एचआर पोस्ट पे लेने लगे, तो सीआईएल भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से नेट के थ्रू लेने लग जाएगी। तो यूजीसी नेट कोड 55 और पीएसयू एचआर दोनों की प्रिपरेशन कीजिए, दोनों का सिलेबस सेम है। और इस बार आप देखे होंगे कि जैसे हम लोग बताते हैं हमेशा कि पीएसयू एचआर का जो क्वेश्चन का लेवल है वो डिफरेंट होता है, थोड़ा सिंपल होता है, बट इस बार कोल इंडिया में कैसा है, क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था, थोड़ा हार्ड हो गया था, और जो यूजीसी नेट का एग्जाम पहले से दे रहे थे या यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया है उन सभी स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स है, और उनको उम्मीद है कि इसमें भी कोल इंडिया का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो नए स्टूडेंट थे जो कोल इंडिया के ही डायरेक्ट प्रिपरेशन किए हैं उनका ही मार्क्स कम आया है, उनको ही लगा कि एग्जाम जो है हार्ड हुआ है, जो पैटर्न चल रहा था उसके मुकाबले हार्ड तो हुआ है, लेकिन जो यूजीसी नेट दे रहे हैं ना उनके हिसाब से कोई हार्ड नहीं था। इसलिए हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ बार बार कि यूजीसी नेट कोड 55 और पीएससी एचआर दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन कीजिए, इसलिए हमारे पास जो स्कोर्स भी है तो कंबाइंड है। तो आप लोग यूजीसी नेट कोड 55 या किसी भी पीएससी एचआर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स या मॉक टेस्ट जो है आप हमारे टुटलेज एकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, और बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। तो टुटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या आईओएस से डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया गया है उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके जो भी दोस्त होंगे जो एग्जाम दिए हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ताकि वो भी निश्चिंत रहें और प्रिपरेशन अपने नेक्स्ट एग्जाम का, दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहें। ओके, तो चलिए मिलते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।